हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम लोग माइक्रोफोन का रिव्यू आपको बताने वाले हैं। जैसे कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये बोया ब्रांड का एक माइक्रोफोन मैंने लिया है। तो वो मैंने तो अनबॉक्स कर लिया पहले ही, तो यहाँ मैं आप लोग को इसका रिव्यू बताने वाला हूँ कि ये माइक्रोफोन किस टाइप का है और आपके लिए बेहतर है या नहीं, या आप इसे खरीदें या नहीं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको सारा इस वीडियो पे सारी डिटेल्स, आपको फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन सारे आपको इस वीडियो पे बता रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, चलो देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिला है। ओके, पहले तो मैं माइक्रोफोन दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास माइक्रोफोन आप देख सकते हैं, बोया का माइक्रोफोन। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हैं इसके वायर जो है कितने लंबे हैं। तो मतलब ये आप बहुत दूर तक, आई थिंक, मुझे लगता है कि आप इसका यूज़ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस पाउच में और क्या है। और कुछ भी नहीं है इस पाउच में। तो आप देख रहे हैं, ये हमारा माइक्रोफोन आप देख सकते हैं, ये हमारा माइक्रोफोन है। इसके साथ ये फॉर्म मुझे मिला था जो मैंने पहले फिट कर चुका था, बट आपको दिखा रहा हूँ ये ऐसे निकल सकता है। तो आप इसे इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, आराम से लगाइएगा, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है ये। ओके, तो ये आपके सामने मैंने बोया का हेडफोन दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप, इसके साथ मुझे बैटरी भी मिला था बट मैंने इसको लगा चुका हूँ, तो वो आपको मैं बस खोल के दिखा दे रहा हूँ। बैटरी आपको पैक में मिला रहता है, तो ये शायद मैंने ये आप देख रहे हैं, ये बैटरी दिया हुआ था इस पर पाउच में, तो मैंने बैटरी को खोल कर इसमें लगा चुका हूँ। ओके, तो ये आप लगा सकते हैं। इसका वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप फ़ोन के लिए यूज़ कर रहे हो तो इस बैटरी को कोई ज़रूरत है। अगर आप कैमरे पे यूज़ कर रहे हैं देन इट यूजेबल। ओके, तो देन इसका कोई काम नहीं, छोड़िए इसको, हटाइए, मैं तो फ़ोन पर यूज़ करूँगा इसको। तो देखिए, ये आप दो ऑप्शन देख रहे हैं इस बटन के सामने, एक कैमरे का ऑप्शन और एक स्मार्टफोन का ऑप्शन है। ओके, तो आप इस कैमरे के लिए, तो मैंने बताया बैटरी यूज़ होगा, तो मैं तो फ़ोन पे यूज़ करूँगा। जिसके जो फ़ोन पे यूज़ करेंगे उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है बैटरी लगाने की। तो आप स्मार्टफोन के लिए देखिए, अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन में अभी क्लिक है, बट अगर कैमरे में यूज़ करना है तो आपको इसको ऊपर करना पड़ेगा, देन ये ऑन हो जाएगा कैमरे के लिए यूज़ करने के लिए। तो फ़ोन के लिए आपको यूज़ करना है स्मार्टफोन के लिए, देन इसको नीचे कर दीजिए, तो ये फ़ोन के लिए यूज़ेबल हो जाएगा। इसके साथ आप जैसे देख रहे हैं कि ये एक जैक मिला है, तो इस जैक का उपयोग आप देखेंगे किस में करते हैं। आप देख रहे हैं इसका, इसके साथ एक आई थिंक स्टैंड, या स्टैंड नहीं, ये शायद क्लिप दिया है। ये क्लिप आई थिंक ये यहाँ पे यूज़ होता है। हाँ, ये क्लिप आप यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं। हाँ, इस टाइप से, सॉरी, फोकस, आप यहाँ पे ऐसे करके इसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह। ओके, देख सकते हैं, आपको मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख लिए, अब इसका यूज़ आप कर सकते हैं। इसे आपको अपने फ़ोन में लगाना है और ये अपने माउथ के पास या फिर टी शर्ट वगैरह में, ये क्लिप इसलिए, इस वजह से ही दिया है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ज़्यादातर आप देख रहे हैं इसका वायर लगभग, मुझे लगता है 7 से 8 मीटर का होगा, तो आप इसका यूज़ 7 से 8 मीटर के डिस्टेंस तक भी कर सकते हैं कैमरे से। ओके, तो ये आपको वैसे कि फ़ीचर तो आपने माइक्रोफोन तो देख ही लिया, चलिए आपको इसका फ़ीचर बताते हैं। अब क्या है इसका फ़ीचर, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पे फीचर्स पे, क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन, DSLR कैमरा रिकॉर्डर। ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डर्स,
पीसी एट सकता, ये सब पे आप यूज़ कर सकते हो। ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सराउंडिंग जो साउंड होता है चारों इसके इस माइक के जो दिखाया जा रहा है इस चारों तरफ से आपका आवाज़ कवर करेगा। ओके, ज़्यादातर तो इसमें फ्रंट से जो बोला जाएगा उसको ज़्यादा कैप्चर करेगा, बट साइड से भी थोड़ा थोड़ा कैप्चर करेगा, इस वजह से इसका नाम ओमनी डायरेक्शनल पड़ा है। और नेक्स्ट में देखिए क्या बोला, हाई क्वालिटी कंडेंसर इज आइडल फॉर वीडियो यूज़, मैंने हाई क्वालिटी का कंडेंसर यूज़ किया गया है आइडल यूज़ के लिए। और नेक्स्ट पे बोला लो हैंडलिंग नॉइस, मतलब नॉइस को हैंडल करता है अच्छी तरह से। इंक्लूड्स लेपेबल क्लिप्स LR44 बैटरी। ये तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, सो आप ये देख चुके हैं कि ये हेडफोन कैसा है। मेरे हिसाब से हेडफोन बेस्ट है, आप इसे ले सकते हैं जिस प्राइस में इस मैंने लिया है उस प्राइस में, आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट है। तो अगर आपको इसका, मैंने इसे 850 पर लिया है, तो आई थिंक इस बेस्ट होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक, लेट्स बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।